वेलकम फ्रेंड्स, पार्ट 22 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन काफ़ी छोटा है मगर इसका सॉल्यूशन काफ़ी बड़ा होने वाला है। मैं आपको बता दूं, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब 8 का टेबल आपको 15 तक बोलना है और उसमें आने वाले सारे नंबरों का जो सम है वो आपको सॉल्व करना है, राइट कि उनका सबका सम कितना होगा। तो पहले देखो, 8 के टेबल में सबसे फर्स्ट क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24, 8 फोर जा 32। ये करीबन आप देख सकते हो कि अगर 8 को मैं 15, 8 जा कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया कि फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 लिख दिए, राइट। अब इसको थोड़ा सा एज्यूम करेंगे हम, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस आप चेक करोगे तो डी हो जाएगा 8, और हमें क्या करना है कि पहले 15 टर्म का सम करना है, तो हमें एन की वैल्यू हो जाएगी 15, राइट। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ 15th टर्म इज इक्वल टू 15 बाय 2 ए प्लस एल, ठीक है। अब सम ऑफ 15 टर्म इज इक्वल टू 15 बाय 2, ए हमारा था कितना 8 प्लस लास्ट टर्म था 120। सम ऑफ 15 टर्म इज इक्वल टू 15 बाय 2 कितना हो जाएगा 128। सम ऑफ 12 इज इक्वल टू 15 इंटू, इसको आप कट कराओगे तो कितना बचेगा 6 और 4। सम ऑफ 15 टर्म इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 64 इंटू 15 069, तो ये हो गया आपका सम ऑफ 12 टर्म इज इक्वल टू 960, जो आंसर आ चुका है, राइट। तो ऐसे आप छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, कुछ हमारे पास ए नहीं है, डी नहीं है, एन नहीं है, हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन में आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट 22 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।